दुनिया के सातवें अजूबे पर आज के समय विवाद छिड़ा हुआ है और विवाद ये है कि ये ताजमहल है या तेजो महल है। पर सवाल ये है कि ये विवाद आखिर छिड़ा ही क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताजमहल और तेजो महालय के विवाद के कारणों पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ताजमहल के इतिहास को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ गई है और कारण है इतिहास के पन्ने। दरअसल जब इतिहास में देखा जाता है तो दो किताबें मिलती हैं जिनमें इस विवाद पर विस्तार से बात हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ताजमहल का इतिहास जो इन किताबों में लिखा गया है। वैसे अब तक हमने किताबों में पढ़ा था कि 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने इसे बेगम मुमताज के निधन के बाद उन्हीं की याद में बनवाया था। पर कुछ साल पहले अयोध्या के बीजेपी मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कह दिया कि ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों की जांच होनी चाहिए, और उन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कई साल पहले लिखी एक किताब का जिक्र किया। उसी किताब ने सबसे पहले ये दावा किया था कि आगरा में ताजमहल की जगह एक मंदिर हुआ करता था। दरअसल लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उस समय उस किताब को मराठी भाषा में लिखा गया था। कहा जाता है कि सबसे पहले ताजमहल को लेकर मंदिर वाला दावा पीएन ओक ने ही अपनी किताब से किया था। उन्होंने अपनी किताब में कहा था कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय है जिसका निर्माण 1155 में किया गया था। उनके मुताबिक तब वहां पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पीएन ओक ने बादशाहनामा के दो पन्नों का अंग्रेजी अनुवाद किया था जो शाहजहां की जिंदगी की पूरी दास्तां बयां करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही बादशाहनामा फारसी भाषा में लिखी थी। ऐसे में लंबे समय तक कई लोगों के लिए उस किताब में लिखी बातें राज रहीं। फिर पीएन ओक ने बादशाहनामा के दो पन्ने 402 और 403 का अंग्रेजी अनुवाद करवाया और उस अनुवाद के अनुसार महान शहर आगरा तब अकबराबाद के दक्षिण में एक खूबसूरत बड़ी हवेली है, वो राजा मान सिंह की है। वर्तमान में उस हवेली का स्वामित्व मान सिंह के पोते जय सिंह के पास है। रानी के दफन के लिए इसी जगह को चुना गया। राजा जय सिंह ने अपनी इस पैतृक विरासत को काफी महत्व दिया, लेकिन फिर शासक शाहजहां को वो ये हवेली मुफ्त में देने को तैयार हो गया। लेकिन फिर भी ईमानदारी दिखाते हुए जय सिंह को उस भव्य हवेली के बदले में शरीफाबाद दिया गया था। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ओक के अनुसार ऐसा दावा किया गया था कि शाहजहां ने जय सिंह से एक जमीन मांगी थी, लेकिन बादशाहनामा का जो अनुवाद उन्होंने करवाया है उसके मुताबिक एक जमीन नहीं बल्कि भव्य हवेली की मांग रखी गई थी। उन्होंने कुछ फारसी शब्दों का जिक्र करते हुए भी अपनी बात को प्रमुखता से लिखा। वैसे 70 के दशक में पीएन ओक ने ताजमहल पर एक और किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस, और उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में तेजो महालय और बाद में जय सिंह पर फोकस किया था। वहीं अपनी दूसरी किताब में उन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे थे जिसके आधार पर वे ताजमहल को एक मंदिर मान रहे थे। उनके सवाल एकदम स्पष्ट थे। सवाल नंबर एक, ताजमहल संगमरमर की जाली में 108 कलश क्यों बने थे? हिंदू मंदिरों में भी ऐसी परंपरा रहती है। सवाल नंबर दो, मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं, लेकिन संगमरमर की सीढ़ियों पर क्यों? सवाल नंबर तीन, ताज और महल संस्कृत शब्द हैं, मकबरे को फिर संस्कृत नाम कैसे दिया गया? अब पीएन ओक ने अपनी किताब और कुछ तथ्यों के आधार पर दो बातों पर जोर दिया था। पहला तो ये कि ताजमहल असल में तेजो महालय था, और दूसरा ये कि वहाँ पर एक शिव मंदिर था। पर आपको बता दूं कि इसके बाद एक किताब और लिखी गई। किताब का नाम था ताजमहल द इल्यूमाइंड टॉम, और जिसके लेखक थे बैगले और देसाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस किताब में सभी बातें पीएन ओक की किताबों के तथ्यों से मिलती हैं। जैसे जय सिंह से ही शाहजहां ने एक हवेली ली थी। पर इस किताब में तथ्यों को समझने का नजरिया अलग है। इस किताब में बताया गया है कि ऐसे कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं मिले हैं जो साबित करते हों कि कभी भी आगरा में ताजमहल की जगह कोई दूसरी धार्मिक इमारत थी। लेखक ने अपनी किताब में उस फरमान की एक कॉपी भी पेश की है जो शाहजहां और जय सिंह के बीच हुआ था। अगर आप फरमान को नहीं समझ पाए तो आसान शब्दों में इसे एक एग्रीमेंट कॉपी कह सकते हैं, जो इस बात का प्रमाण देती है कि दोनों के बीच एक डील हुई थी। उस डील में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जय सिंह ने अपनी इच्छा अनुसार ही अपनी हवेली को मुमताज महल बेगम के मकबरे के लिए दान कर दिया था। उसी डील में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि इस हवेली के देने के बदले में जय सिंह को भी शाहजहां द्वारा 4 हवेलियां दी गई थी। यानी मामला पहले ही साफ हो गया था। अपनी किताब में बैगले और देसाई ने उस तारीख का भी जिक्र किया जब इस डील यानी फरमान को अंजाम यानी मान्यता दी गई थी। दोनों लेखकों के मुताबिक 28 दिसंबर 1633 को जय सिंह की हवेली को लेकर फरमान बना था।
वहीं इस बात पर भी जोर रहा है कि उस जमाने में भी फरमान के अंदर लगातार हवेली शब्द का इस्तेमाल हुआ। उनकी नजरों में इस बात को साबित करता है ताजमहल की जगह पहले कोई धार्मिक स्थल नहीं था। लेखकों के ये कथन PNO की किताब के दावों के बिल्कुल विपरीत हैं, जहां कहा गया कि ताजमहल पहले तेजोमहालय था और उसका निर्माण मुगल शासकों के आने से कई साल पहले ही कर लिया गया था। पर ताजमहल पर भारत के न्यायालय का क्या मानना है? किताबों के आधार पर कोर्ट में केस लड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 2015 में भी सामने आया था, जब 6 वकीलों ने आगरा कोर्ट में एक याचिका डाल अपील की थी कि उन्हें ताजमहल में दर्शन करने दिया जाए, पूजा की अनुमति मिले और वहां हो रही मुस्लिमों की नमाज पर रोक लगे। पर पुरातात्विक विभाग की रिपोर्ट के बाद ये याचिका खारिज कर दी गई। पुरातात्विक विभाग की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ताजमहल एक मकबरा है और उन्हें मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले। आपके अनुसार क्या ताजमहल पहले मंदिर था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।